Assalamualaikum students i am professor anika rashid hope so you all are fine in last lecture we have discussed the poem that is uh, related to the rebel today we are going to start our next poem that is poem number 6 which is patriot into traitor in this poem patriot into traitor which is written by robert browning रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है ये विक्टोरियन एज के पोइट थे और उस टाइम के जो सिचुएशन क्या थी जो कंडीशन थी क्या था कि लोग ज़्यादातर मटेरियल प्रोग्रेस के पीछे भाग रहे थे वर्ल्डली गेन्स के पीछे कि हमें किस तरह से पैसा कमाना है किस तरह से प्रोग्रेस करनी है डैट सेट और दीन और दीन से बहुत दूर हो चुके थे फेथ नहीं था एक डाउट क्रिएट हो चुका था गॉड गॉड के दरमियान और फेथ के दरमियान मतलब लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है वो सिर्फ मटीरियल प्रोग्रेस के पीछे जो है वो भाग रहे थे देन फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग ब्राउनिंग की जो पोइम्स हैं मोस्टली उनमें हमें क्या है ऑप्टिमिज़म नजर आता है कि वो ऑल दो एक बुरी कंडीशन थी ठीक है एक बुरी सिचुएशन थी जहाँ पे लोग जो है वो दीन से दूर होते जा रहे थे गॉड से दूर होते जा रहे थे उनका फेथ ईमान कमज़ोर होता चला जा रहा था लेकिन फिर भी वो हर पोएम में एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता था एक पॉजिटिव पॉइंट देता था ताकि लोगों का जो है वो दोबारा से फेथ जो है वो री हो जाए गॉड और लोगों का जो एक लिंक था जो ख़त्म होता चला जा रहा था वो दोबारा से क्या है डिवेलप हो जाए तो अगर हम इस पोएम को देखें तो इस पोएम में भी उसका एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू एक जिंदगी को देखने का एक पॉजिटिव नज़रिया नज़र आता है हमें तो इस पोएम को उसने ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग किस सेंस में कि ये एक इंसान के इनर मूड्स और फीलिंग्स को बताता है कि उसके इनर सिचुएशन क्या है वो खुद से बात कर रहा होता तो है उसे लगता है कि अगले लोग जो हैं वो उसको नहीं सुन रहे कोई ऑडियंस नहीं है लेकिन क्या है कि उसकी वो इनर फीलिंग्स जो है वो दूसरों तक पहुंच रही होती हैं रीडर उसको पढ़ रहा होता है वो सिर्फ खुद से गुफ्तगू कर रहा होता है ठीक है उसका अपना ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है मोनोलॉग होता है कि खुद से बात करना तो वो अपनी इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है ख़ुद से बात जैसे आप कहते हो कि ज़मीर की बातें ठीक है थीके? तो वो सारी बातें उसके अंदर होती हैं तो उसे यह लग रहा होता है कि कोई उसकी बातें नहीं सुन रहा लेकिन ऑन द अदर हैंड एक पढ़ने वाला रीडर होता है जो कि उस चीज़ को सुन रहा होता है समझ रहा होता है तो पर्सन हिम सेल्फ डिस्क्राइब्स हिज ओन ट्रेजडी वो खुद अपनी ट्रेजडी बताता है अब इस पॉइंट में भी देखें तो पोइट जो है वो नहीं बता रहा कि उस आदमी के साथ ये ये हुआ बल्कि वो आदमी खुद बता रहा है कि मेरे साथ ये सब हुआ तो आदमी जो है वो इट्स सेल्फ अपनी जो है वो ट्रेजडी बताता है डेढ़ सॉ से ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है अब अगर हम पोएम की तरफ मूव ऑन करें तो उसमें अब किसका किस्सा सुनाया गया कि एक पॉलिटिकल लीडर का किस्सा सुनाया गया है कि एक लीडर होता है उसका किस तरह से पहले राइज़ होता है दैन उसका किस तरह से फॉल होता है कि किस तरह से पहले जब वो इकतदार में आया पावर में आया तो लोगों ने किस तरह से उस उसका वेलकम किया किस तरह से स्लोगन्स रेज किए फ्लॉर्स के थ्रू उसका वेलकम किया गया इनफैक्ट वो उसके लिए हर हाँ चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार थे इनफैक्ट अगर वो उस टाइम मैंने कहता कि मुझे सूरज ला के दो तो वो उसे सूरज भी ला के दे देते मतलब इस लोग जो हैं वो उस पर सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए जो है वो रेडी थे और इनफैक्ट उसने जितने भी इकतदार में आके काम किए लोग उसको प्रेस करते थे कि इसने हमारे लिए इतना काम किया ये ये चीज़ सही की ये चीज़ सही की ये चीज़ सही जा रही है ठीक है तो एक पोलिटिकल लीडर था जब वो इकतदार में आया उसने इलेक्शन विन किए ठीक है एक पावर उसे मिली तो लोगों ने उसका क्या है उसे प्रेस करना स्टार्ट किया उसे वेलकम किया स्लोगन्स रेज किए घरों पर खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया लेकिन आफ्टर वन ईयर लेकिन एक साल के बाद क्या हुआ आफ्टर वन ईयर जैसे उसका फॉल हुआ मतलब पावर उससे छिन गई तो फिर कोई उसका वेलकम करने के लिए नहीं था इनफैक्ट लोगों ने उस पर जो है वो पत्थर बरसाना शुरू कर दिए जिससे उसका फोर हेड जो है वो ब्लीड करने लग गया उसे फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा था क्या है कि लोगों का बिहेव उसके साथ टोटली जो है वो चेंज हो गया उसका जैसे ही पावर उसके हाथ से गई तो लोगों का बिहेवियर भी, भी चेंज हो गया और उसके जो डीड्स थे जो पहले उन्हें जिनकी वो तारीफ़ें करते थे अब वो सारे मिस डीड्स हो गए अब वो क्या है अब वो लोगों की नज़र में गद्दार हो गया जब इकतदार में आया तब वो एक पैट्रीड था कि वो उनके लिए बहुत कुछ कर रहा था वो बेवतन था जैसे ही पावर से हटा तो अब वो उनके लिए क्या बन गया एक ट्रेटर बन गया एक गद्दार बन गया किसने तो इनके लिए कुछ किया ही नहीं है तो ये सारी चीज़ें थी कि लाइफ की मुश्किल अब उसने ये एक लाइफ की एक बिटर रियलिटी हमारे सामने रखी लेकिन लास्ट तंजा में क्या होता है कि वो हमें होप और ऑप्टिमिस्टिक व्यू बताता है लोगों की उम्मीद उनका ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑप्टिमिज्म कि किस तरह से हम फिर भी इन बुरे हालात में हमें क्या है कि जो है वो उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए हमें कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट जो है वो निकाल लेना चाहिए तो लास्ट में वो क्या करता है गॉड पे बिलीव बताता है जिससे क्या है विक्टोरियन एज के वो लोग जो पहले जो है वो अपना फेथ खो चुके थे फेथ पे उनका एक डाउट चल रहा था खुदा से उनका रिलेशन उस तरह से नहीं रहा था तो वो क्या है कि इस पॉइंट के थ्रू वो एक रिलेशन अगेन से रीबिल्ड करता है कि बिलीव इन गॉड कि अब क्या है कि ऑल दो उसके साथ इतना बुरा बिहेव चल रहा है लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया उसे गैलोज की तरफ मतलब फांसी दी जा रही है उसे वहाँ पे ले जाया जा रहा है लेकिन फिर भी उसका गॉड पे बिलीव है कि यहाँ पे अगर उसे रिवॉर्ड नहीं मिला उसके कामों का तो अगली दुनिया में उसे उसके रिवॉर्ड जो है उसका रिवॉर्ड उसे ज़रूर मिलेगा ही एक्सेप्ट द गैलोज विद पावर ऑफ़ फेथ कि वो बड़े ईमान के साथ जो है वो फांसी चढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता है कि ठीक है यहाँ इस दुनिया में अगर मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला इनाम नहीं मिला तो अगली दुनिया में मुझे लाजमन वह इनाम मिलेगा तो वो कहता है कि वो जो रिवार्ड है वो परमानेंट रिवॉर्ड है जो दुनिया का रिवॉर्ड है वो तो टेम्परेरी है ना वो तो आर्जी दिया वो तो ख़त्म हो जाना है जैसे यहाँ पे लोगों ने उसे रिवॉर्ड दिया है यहाँ पर वो उसका रिवॉर्ड भूल गए तो जो अगला रिवॉर्ड होगा जो अल्लाह ताली की तरफ से मिलेगा वो पर्मनेंट रिवॉर्ड होगा वो टेम्परेरी नहीं होगा तो इस तरह से लास्ट टाइम जब है वो फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और हमें एक होप दिलाता है जो कि ऊपर पॉइंट में टोटली ख़त्म हो चुकी होती है लेकिन अगेन से वो रीडर को जो है वो रियलाइज करवाता है कि हमें जो है वो होप नहीं छोड़नी चाहिए बुरे वक्त में भी हमें कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट या कुछ ना कुछ अच्छा क्लू जो है वो मिल जाता है सो इन दिस पोएम हमें क्रिटिसिज्म नज़र आता है पावर का पावर पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है पावर वर्शिप पे कि जब इंसान इकतदार में होता है उसके पास कोई पावर होती है वो किसी अथॉरिटी पे होता है तो लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं उसे प्यार देते हैं उसे वैल्यू देते हैं और जैसे ही उससे वो पावर छिन जाती है तो उसे ना वो प्रोटोकॉल मिलती है ना वो प्यार मिलता है ना ही वो रिस्पेक्ट मिलती है बल्कि उसे हिमिलिएट किया जाता है उसे डिसक्रेस किया जाता है उसकी वो रिस्पेक्ट सोसाइटी में नहीं रहती है मतलब वही है ना कि पावर के पुजारी लोग हैं हम लोग हम अपनी सोसाइटी में भी देखें तो हम गाड़ी में बैठे हुए लोगों को सैल्यूट करते हैं जबकि जो आम आदमी हो तो उसकी वो प्रोटोकॉल नहीं होती ऑल तो वो इंसान करैक्टर वाइज या बिहेवियर वाइज जैसा भी है लेकिन हमें पता है कि इकतदार में है तो हम क्या है उसे प्रोटोकॉल देते हैं और वो लोग जो आम लोग होते हैं उन्हें हम क्या है प्रोटोकॉल नहीं देते हैं सो so, क्रिटिसिज्म और पावर वर्शिप है कि जो लोग इकतदार में होंगे उन्हें हम प्रोटोकॉल देंगे जो नहीं होंगे उन्हें हम जो है वो डिसग्रेस करेंगे और हिमिलियट करेंगे सो मॉरल लेसन क्या मिला हमें इससे कि जो पोइट है वो हमें मैसेज देता है होप फुलनेस का ऑप्टिमिज्म का कि ऑल दो लाइफ में आपकी जितनी भी डिफिकल्टीज चल रही हैं लेकिन आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए फेथ ऑन गॉड दोबारा से वो एक रिलेशन रीबिल्ड करता है कि ठीक है अगर लोग आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं डेट डजेंट मीन कि आप ह्यूमैनिटी को सर्व करना छोड़ दो आप लोगों की हेल्प करना छोड़ दो बल्कि नहीं आप सर्व करते रहो तो अगर आपको यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो अल्लाह ताली की तरफ से आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा डू नाट लूज हार डूरिंग हार्डशिप्स एंड ट्रायल्स कि हार्डशिप्स और ट्रायल्स के दौरान जब मुश्किल वक्त होता है तो हमें हिम्मत नहीं हार हारनी चाहिए बल्कि हमें उस टाइम को करीजियसली जो है वो फेस करना चाहिए और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर अब हम अब हमें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट वर्ल्ड में हमें रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा पीपल ऑफ सोसाइटी आर नाट रिलाईबल कि सोसाइटी के जो लोग हैं वो रिलाएबल नहीं हैं आज वो आपके साथ हैं कल आपके पास पावर नहीं रहेगी तो वो आपके साथ नहीं होंगे तो दैट्स वाई हमें सोसाइटी के लोगों पर रिलये नहीं करना चाहिए बल्कि हमें क्या है कि हमें रिलये करना चाहिए ऑन गॉड ठीक है हमें लोगों के रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए लोगों के रिवॉर्ड की उम्मीद रखेंगे तो 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 मुआरे से ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी क्योंकि लोग इन रिटर्न आपके साथ वैसा सलूक नहीं करते हैं जैसा आप लोगों के साथ कर रहे होते हैं सो तो हमें रिवॉर्ड की उम्मीद जो है वो अल्लाह ताला से रखनी चाहिए जब हम उससे उम्मीद रखेंगे तो फिर क्या है कि हमें हम डिस हार्ट नहीं होंगे और करजी हम अच्छे काम भी सोसाइटी में करते रहेंगे और जो है वो हमें हम इनक्रेज भी होंगे उस चीज़ से सो दैट्स ऑल कि हमें लाइफ में मुश्किल वक्त आ जाए तो हमें उससे जो है वो होप होपलेस नहीं होना चाहिए बल्कि हमें करीजियती उस बुरे वक्त को फेस करना चाहिए और हमें रिवॉर्ड की जो उम्मीद है वो अल्लाह ताला से रखनी चाहिए सो दैट्स ऑल इन द पोय फॉर एनी क्यूरी फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन व्हाट्सएप ग्रुप थैंक यू सो मच